बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदों गुरुपद अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। और गुरु कैसा है तो कमल के समान है, कृपा सिंधु है, नर रूप में हरि है, ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। महामोह तम पुंज जासो वचन रविकर निकर, कि जो हमारे जीवन में तमाम मोह विकार का अंधकार का पुंज है, गुरु अपने सूर्य के किरण से, ज्ञान विचार रूपी किरण से उसको नष्ट कर देते हैं। ये एक सामान्य अर्थ हम सब जानते हैं, पर यहां विचारना यह है कि जब ये कहा गया कि वंदों गुरुपद कंज, तो ये गुरुपद क्या है, ये समझने की बात है। अगर इसे हमने समझ लिया तो गुरु के बारे में हम जान लेंगे। एक अर्थ यह है कि गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन इससे गहरा अर्थ यह है कि गुरु के स्थिति की वंदना करते हैं। पद मतलब स्थिति भी होती है, गुरु की स्थिति। पद का तीन अर्थ है, एक है पैर, एक है स्थिति और एक है कविता। जैसे एक गद्य और पद्य में, तो गद्य मतलब कहानियां, पद्य मतलब कविताएं। तो यहां पद का अर्थ सिर्फ पैर नहीं, यहां पद का अर्थ स्थिति है। जैसे कोई आदमी प्रधानमंत्री के पद में चला गया तो वो पद उसकी स्थिति है। जैसे कोई न्यायाधीश के पद में चला गया तो न्यायाधीश होना उसकी स्थिति उस वक्त के लिए बन जाती है। इसी तरह गुरु का चरण ही बस नहीं, इसका अर्थ है गुरु की स्थिति। तो गुरु की स्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा गुरु जिसकी स्थिति किस तरह की हो, कंज अर्थात कमल की तरह। कमल क्या है, जो कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, पर उससे अलग रहता है। गुरु कौन है सच्चा, जो रहता इसी संसार में है लेकिन संसारिकता उसमें नहीं होती है। जैसे नाव रहता पानी में है लेकिन पानी नाव में नहीं रहता है। जैसे ही पानी नाव में आ गया, नाव डूब जाएगी। गुरु रहते जगत में है पर जगत उनमें नहीं होता है। इसी संसार में रहकर गुरु कमल की भांति है, सांसारिकता से अलग, विकार से अलग, नफरत से अलग, घृणा से अलग, द्वेष से अलग, उलझन से अलग। ऐसे गुरु की वंदना हम करते हैं, बंदों गुरुपद, ऐसे गुरु की वंदना हम करते हैं, ऐसे गुरु के पद की वंदना हम करते हैं। और गुरुपद अर्थात कोई एक गुरु नहीं, वो गुरुत्व की स्थिति पूरे संसार में जो भी गुरु हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएं। अब यहां अंधेरा क्या है, रात हो जाए और उस रात की अंधियारी से कोई लाइट में ले चला जाए, वो गुरु थोड़े। अंधेरे से तात्पर्य है हमारे जीवन में कामनाएं, इच्छाएं, विकार, नफरत, घृणा, लड़ाई, झगड़ा, संसार का चिंतन, ये अंधकार कहलाता है। और जो इससे निकाल कर हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति की ओर ले जाए, वो प्रकाश कहलाता है। तो जो गुरु हमें अंधेरे से, जो गुरु हमें नफरत से प्रेम की ओर ले जाए, जो गुरु हमें क्रोध से विनम्रता की ओर ले जाए, जो गुरु हमें सारे विकारों से मुक्ति देकर निर्मलता की ओर ले जाए, ऐसे गुरु की वंदना हम करते हैं। वैसे तो जीवन में गुरु हजारों हो सकते हैं। आपको किसी ने रास्ता बता दिया, वो भी गुरु हो गए। आपको किसी ने एक अक्षर सिखा दिया, वो भी गुरु हो गए। किसी ने आपको कोई काम सिखा दिया, वो भी गुरु हो गए। कोई आपको भोजन बनाना सिखा दिया, वो भी गुरु हो गए। कोई झाड़ू लगाना सिखा दिए, वो भी गुरु हो गए। घर बनाना सिखा दिए, वो भी गुरु हो गए। गुरु मतलब जो आपको मार्गदर्शन दे सके। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी सिर्फ एक साधारण गुरु की बात नहीं कर रहे, कह रहे वो गुरु, और गुरु तो बहुत हो जाएंगे, यहाँ वस्तुतः सदगुरु की बात है। वो सदगुरु जो जीवन में हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो एक स्थिति है, और स्थिति साधना से आती है, स्थिति हमारी तपस्या से आती है। जैसे कोई आदमी
बहुत सज्जन स्वभाव के हैं, तो वो सज्जनता उसकी स्थिति है, उसका पद नहीं है। सज्जनता किसी के वोट देने से नहीं आती है। कोई व्यक्ति किसी पद में चला जाए तो या तो पढ़कर चला गया या वोट से चला गया, लेकिन यहां जिस पद की बात है वो हमारे जीवन की, हमारे भीतर की स्थिति है, और वो वोटिंग से नहीं, वो अपनी साधना, अपनी तपस्या से हम पाते हैं। जैसे कोई भक्त है तो कोई जब भक्त बन जाता है तो वो भक्त किसी के चुनाव से नहीं बनता कि 10 आदमी चुन दिया ये भक्त हो गया। जैसे संत हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा थोड़े है कि गांव में चुनाव होगा कि आज संत में कोई खड़ा है। जैसे विधायक में कोई लोग खड़े होते हैं कि विधायक का चुनाव है, जिसका वोट ज्यादा हो गया वो विधायक बन गया। यहाँ कोई गांव में संत पद में खड़ा हो जाए कि जिसको वोट ज्यादा पड़ गया वो संत बन गया, ऐसा होगा क्या? संभव है? एक भी वोट कोई ना दे, लेकिन वो अपनी तपस्या, अपनी साधना से अगर मन को निर्मल कर लिया है, अपने कर्म को पवित्र कर लिया है, संतत्व आ जाती है। वही संतत्व की स्थिति की बात यहां गोस्वामी जी कर रहे हैं, वही भक्ति की स्थिति की बात गोस्वामी जी कर रहे हैं। जो भक्ति माता शबरी में है, जो भक्ति विदुर जी में है, उस भक्ति की स्थिति, जो भक्ति हनुमान जी में है, जो गुरुत्व वशिष्ठ में है, जो गुरुत्व विश्वामित्र में है, जो गुरुत्व बुद्ध में है, जो गुरुत्व महावीर में है, वो जो गुरुत्व की स्थिति सदगुरु कबीर में है, उसी गुरुत्व की बात हो रही है। वो स्थिति जिसमें संपूर्ण जगत के हित की कामना है, वो स्थिति जिसमें सबके भीतर परमात्मा होने का भाव है, वो स्थिति जिसमें सबके लिए शांति की कामना है कि मुझे ही ऐसा हो, रहो सब सुख तेरे पास, मैं रोवो या जगत को मोको रोवे ना कोई, सदगुरु कबीर की वो अवस्था, वही गुरु की स्थिति है, वही गुरु का पद है कि जिसके भीतर सत्य अहिंसा प्रेम करुणा जगत कल्याण का भाव समाया है, वो अवस्था को गोस्वामी जी कहते हैं बंदों गुरुपद, कि ऐसे गुरु के पद की वंदना करता हूं, सिर्फ चरण की ही वंदना नहीं करता हूं, सिर्फ उनके पैरों को ही नमन नहीं करता हूं, उनके उस अवस्था को नमन करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन गया, उसकी उम्र कम है, और कोई साधारण एक पुलिस में है या कोई अन्य कर्मचारी है, लेकिन जो आईएएस बनकर के डीएम बनकर के वहां बैठा है उसकी उम्र है 30 साल, और जो अन्य नीचे कर्मचारी हैं वो 60 साल के, फिर भी जाके सलाम करता है। वो आदमी को नहीं, उसके पद को, वो पद वंदनीय है, वो आदमी नहीं, उसका पद वंदनीय है। कोई एसपी बनकर आ गया और नीचे हवलदार है 50 साल का, एसपी है 26 साल का, वो जाके सलाम करेगा, उस व्यक्ति को नहीं, उसके पद को। यही यहां पर है कि किसी गुरु के शरीर की वंदना नहीं कर रहे हैं गोस्वामी जी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पैरों की वंदना कर रहा हूं। वस्तुतः वो चरित्र, वो आचरण, वो स्थिति इतनी दिव्य है, उस वजह से वो चरण भी पूजनीय हो गया है, उस कारण से उनका शरीर भी वंदनीय हो गया है। किसी का चरण पूजनीय कब होता है? किसी व्यक्ति का चरण छूने योग्य कब होता है? जब उसका आचरण महान हो जाए, और जब किसी का आचरण महान हो गया तो उसका चरण वंदनीय हो जाता है। चरण ऐसे ही वंदनीय नहीं हुआ करते, चरण ऐसे ही छूने योग्य नहीं हुआ करते, चरण के पीछे एक महान आचरण होता है। किसी का चित्र इसलिए नहीं टांगा जाता कि वो देखने में खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत लोग हैं, छांट छांट के फोटो थोड़े लगा देंगे, उस चित्र के पीछे एक महान चरित्र होता है, वो फोटो लग जाता है चाहे चेहरा कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है, वेश की पूजा नहीं है, ज्ञान की पूजा है, अवस्था की पूजा नहीं है, वो स्थिति की पूजा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं उस गुरु की वंदना करता हूं, और जिसकी स्थिति कंज की तरह है, कमल की तरह है। अगर जीवन में कभी गुरु बनाने की बात आ जाए, ख्याल आ जाए, तो सबसे पहले देखिए कि वो गुरु की स्थिति क्या है। 200-400-500 हजार लोग गुरु मान रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं, या वास्तव में वो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी हैं, हमारे कल्याण के लिए सामर्थ्यशाली हैं? आप ये मत देखिए कि 1000 लोग झंडे लेकर खड़े हैं साथ में,
किसी गुरु की पहचान उनके बाहरी रूपों से मत कर लीजिए, किसी गुरु की पहचान उनके बाहर के वैभव से मत कर लीजिए, ये देखिए कि वास्तव में उनके भीतर का वो ज्ञान सामर्थ्य रखता है कि नहीं कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सके। किसी दिए की उपासना इसलिए नहीं होती कि वो सुंदर है, दिए का महत्व इसलिए होता है कि उसमें ज्योति जल रही होती। अगर सोने का भी दिया हो और वो बुझा हुआ है कोई नहीं मानता उसको, लेकिन मिट्टी का भी दिया हो ज्योति जल रही है वो कीमती हो जाता है, उसका महत्व हो जाता है। गुरु को समझना और परखना इस हेतु में होना चाहिए कि गुरु का ज्ञान गुरु का आचरण दोनों समानांतर है कि नहीं। वो गुरु जो हमें अंधेरे से ले चले, वो गुरु जो हमें उंगली पकड़कर मुक्ति का मार्ग दिखा सके, वो गुरु जो हमें हमारे जीवन में रहते रहते हमें वो सामर्थ्य जागृत कर सके कि मैं इन समस्त दुखों का सामना कर सकूं। एक बात और गुरुजन कहते हैं कि ये जीवन में कभी भी मत सोचिए कि गुरु आशीर्वाद देंगे और हमारा दुख छूमंतर हो जाएगा। ये भाव कभी मत रखिए कि गुरु कृपा करेंगे और हमारा धन धान्य बढ़ जाएगा। अगर कोई गुरु ऐसा कर रहा है समझना एक नंबर का ठग है। गुरु आपको सिर्फ सामर्थ्य जागृत करने का सूत्र देते हैं, गुरु आपके हाथ में सिर्फ दिया देते हैं कि अपना प्रकाश जलाओ। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव कि अपना दिया खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो। गुरु आपको रास्ता पर गोद में उठा के नहीं पहुंचाते, सिर्फ मार्ग इशारा कर देते हैं। और ये भी बात है जीवन में कभी दुख खत्म नहीं होते। आप कितना भी भजन सत्संग कर लीजिए कोई दुख मिटने वाला नहीं है। होता क्या है हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं, हमारे भीतर का सामर्थ्य इतना बड़ा हो जाता है कि दुख हमारे सामने बौना हो जाता है। जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जब हमारा मनोबल कमजोर होता है, एक साधारण सा दुख भी हमारे लिए पहाड़ मालूम पड़ता है। फिर हम गुरु का नाम जपते हैं कि हे गुरु जी कृपा करना, अगर दुख से मुक्ति मिल गई तो हम भंडारा कराएंगे, और कहीं संजोग से दुख से मुक्ति मिल गई तो गुरु को ही भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख था तो राम राम कर रहे थे, सुख आया तो राम नाम से दूरी बना ली, अब क्या करना। एक बूढ़ी माता थी, दुख पड़ा, गुरु के पास गए, गुरु जी क्या करें बड़ा दुख है, बेटे बहु सेवा नहीं करते, बेटे बहु पानी भी नहीं देते, क्या करें। गुरु ने कहा मेरे पास आए हो कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। गुरु के पास युक्ति होती, गुरु के पास बड़ा सुंदर युक्ति। अगर आप लोग के भी बहुएं सेवा नहीं करती ध्यान से सुनना, तो गुरु ने कहा कि एक सूत्र बता रहा हूं इसको जाके पूरा करना। और कान में गुरु जी ने कुछ कह दिया कि बाजार से एक पेटी खरीदना बढ़िया बड़ा सा और उसमें कुछ भर देना जो तुम्हारे पास धन धान्य है। उसने कहा कुछ भी नहीं है। अरे सच का थोड़े कह रहा हूं, तुम पेटी खरीद लेना, तुम्हारे पास जो सोना चांदी हीरा जवाहरात है भर देना। कहा एक लोहा भी नहीं है। कहा ये तुम्हें पता है, ये मुझे पता है, तुम्हारे बेटे बहू को ऐसा लगना चाहिए कि तुमने उसमें सोना चांदी भरा है। भले कंकड़ भर के रख देना, उसमें पत्थर भर के रख देना। और उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब वो पेटी खरीदी, उसमें पूरा लोहा लक्कड़ कंकड़ सब भर के अपने खटिया के नीचे बहुओं को दिखा के रख दी। बहुओं की नजर पड़ गई, उसे लगा आज तक बुढ़िया छिपा के रखी रही, ये पेटी कहाँ से आ गया। फिर सोचा पुराने जमाने में खजाने लोग गाड़ के रखते थे, कहीं हो सकता है इसने भी कहीं रखा होगा। अब बड़ी बहू सोच रही है आज तक हमने सिर्फ गाली दिया है, आज तक हमने खाने को भी नहीं दिया, झगड़ा किया है, किस मुंह से जाए गहना मांगने, किस मुंह से जाए सोना मांगने। सोचती है एक ही रास्ता है, सेवा करनी पड़ेगी। जैसे ही उसका पति आया बताया कि तुमने बताया नहीं तुम्हारी माँ के पास इतनी दौलत, इतनी बड़ी पेटी भर के रखी है अपने खाट के नीचे कि उससे तो हमारे सात पीढ़ियों की कंगाली मिट जाएगी और तुमने कभी बताया नहीं। उसको इतना आश्चर्य हुआ कि ये बात तो मुझे खुद पता नहीं कि माँ के पास इतने गहने, ये कहाँ से आए। वो भी आश्चर्य में, वो भी सोच रहा है मैं भी तो आज तक सिर्फ झगड़ा ही किया हूँ, गाली ही दिया हूँ, सेवा नहीं किया। दो तीन बहुएं थी, दो तीन बच्चे, सबको ये बात पता चली, सब आपस में मीटिंग करने लगे क्या करें।
क्या ऐसा करें कि वो गहने मिल जाएं। और बूढ़ी सोच रही है, देखते हैं इसका असर कब से शुरू होता है। गुरुजी तो कहे थे 24 घंटा बाद असर शुरू हो जाएगा, वो भी प्रतीक्षा में है, खाट पर बढ़िया आराम कर रही है। तभी बड़ा बेटा बहू घर के अंदर प्रवेश किए, लोटा में जल लेकर, थाली लेकर, माँ क्षमा करना, हम बड़ी भूल में थे, हमने तुम्हें कभी पहचाना नहीं, आज मैं जाग गया हूँ, थोड़ा चरण धोने दे दो। बूढ़ी ने कहा लगता है गुरु जी का असर हो गया ज्ञान का। उठाती है बहुएं, सेवा में लग जाती। बूढ़ी ने कहा करो, अच्छा है, मना थोड़े करना, अंतिम समय करते जाओ। उधर से मंझली बहू आई, वो जलपान बना कर ले आई, माँ जी लीजिए। बूढ़ी सोचती है कल तक मैं रसोई जाती थी, मार के भगा देती थी, अभी रूम में ही इतना बढ़िया जलपान पकवान बन के आ गया। छोटा बेटा उधर से जैसे ही पता चला बाजार गया, नई साड़ी चप्पल उठा लाया, बढ़िया वस्त्र आदि ले आए, माँ को दिया। अब उस बूढ़ी ने सोचा गुरु जी का तो बहुत बड़ा असर कर गया आशीर्वाद, कई छोटी सी साधारण सी बात में इतना ज्यादा फर्क। अब उससे लगा कि जब गुरु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, मौज मस्ती, अब बहुएं लगी हैं चरण दबाने में, बेटे पानी पिला रहे हैं, कोई भोजन करा रहे हैं, पूरा सहंग साहियत के साथ बूढ़ी माता अपना मौज में भजन भूल गई, गुरु को भूल गई। एक सप्ताह महीना बीत गया, गुरु को याद भी नहीं किया, गुरु के पास गई भी नहीं, ऐसे समय निकलता गया। और गुरु का नाम लेना भी भूल गई, कुछ भी याद नहीं रहा कि चलो गुरु ने आशीर्वाद दिया तो हम कुछ कर सकें, कुछ उनका नाम जपें, कुछ भजन करें। जीवन बीतता गया, बीतता गया। और जब व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, जब व्यक्ति ज्ञान से विमुख हो जाता है, जब व्यक्ति परमार्थ से विमुख हो जाता है, तो उसके जीवन में फिर उस विलासिता के वजह से तमाम तरह के रोग विकार और मानसिक समस्याएं आ जाती। जैसे ही गुरु से उसका मन विमुख हुआ, मानसिक रूप से सेवा तो हो रही है शारीरिक रूप से, लेकिन मन बीमार रहने लगा और उसका असर शरीर पर पड़ा, और बहुत कम समय में राम नाम सत्य हो गया। अब जैसे ही राम नाम सत्य हुआ, इसमें दो बातें समाई है, एक जिसने गुरु के आशीर्वाद को कुछ दिन में भुला दी, उसका जीवन लीला इतना दुखद हो गया, और दूसरा जिसने लोभ में सेवा शुरू किया, जिसने सोने चांदी के लोभ में सेवा आरंभ किया, उसकी भी दुर्गति होनी थी। पैसा नहीं है, उधारी लेकर, ब्याज लेकर, कर्ज लेकर उसने माँ की सेवा शुरू की कि सोना बेचकर सब चुका देंगे, पर आगे घटना घटने वाली थी। जैसे ही बूढ़ी का राम नाम सत्य हुआ, सबसे पहले वो लोग रोना धोना शुरू किए, ताकि पड़ोसी को लगे नहीं कि ये कोई जबरदस्ती का मामला हुआ है। रोना तो आ नहीं रहा था, भीतर तो ख्याल आ रहा था कितना जल्दी पड़ोसी हटे और हम पेटी तोड़ें, लेकिन अब लोगों को दिखाना है कि नहीं हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, माँ गई है, बड़ा पीड़ा है, आंसू भी नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती आंखें मल मल के। पर किसी तरह जब लोग गए, तुरंत सब दौड़े एक साथ, पेटी तोड़ता है तो देखता है पूरा कचरा पीछे का भरा पड़ा है, पत्थर पड़ा भरा पड़ा है। अब सब सिर ठोक रहे हैं, सीना ठोक के रो रहे हैं कि एक तो ये जीवन भर हमने लड़ाई किया, एक लोभ में सेवा भी किया, पैसा उधार लेकर, कर्ज लेकर, तो आज उसका फल ये मिला कि हम कर्ज लाखों के कर्जदार हो गए, और ये बूढ़ी मर के और हमारे सामने भिखारी का कटोरा दे के चली गई। क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। वो संत उसी समय आ गए, कहा बेटा ये तुम्हारे कर्मों का फल है, और तुम्हारी माँ जिस स्थिति में गई है वो उसके कर्मों का फल है। जब तुम्हारी माँ पीड़ा में थी तो गुरु का ध्यान आया, जब दर्द आया तो भगवान का याद आया, उसने उसका फल पाया, लेकिन फिर उस फल को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी, और तुमने अपने माता पिता को, अपने माँ को दर्द दिया, दुख दिया, उसका तुम पा रहे हो। एक संतान का दायित्व होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करे, एक संतान का धर्म होता है कि माता पिता चाहे कैसा भी, तुम अपने पुत्र धर्म को कभी छोड़ना मत, लेकिन दुख जब आया तो सुमिरन हुआ, और जब सुख आ गया तो सुमिरन भूल गए।
दुख में सुमिरन अगर हम कर रहे हैं, दुख में गुरु की याद कर रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। याद सदैव जीवन में बनी रहे गुरु की, धर्म की, परमार्थ की, बाकी संसार भले भूल जाइए। साहब ने कहा है, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, राग रंग में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल, साधो दिल से न राम को भूल। साहब ने कहा कि राम को नहीं भूलना था, गुरु को नहीं भूलना था, हम उसे भूल गए। अवस्था निकलती जा रही है, गुरु को भूलते जा रहे हैं, धर्म को भूलते जा रहे हैं, संसार याद है, संसार की प्रवृत्तियां याद है, संसार की वस्तुएं याद है, घर परिवार संसार याद है, किसी से झगड़ा हुआ वो याद है, किसी ने गाली दिया वो याद है, किसी ने मारा वो याद है, किसी ने निंदा की वो याद है, बचपन में कहीं झगड़ा हुआ वो याद है, लेकिन संत गुरु का दिया हुआ उपदेश एक घंटे पहले वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं। कहा दुख में सुमिरन सब करे, तो गुरु वो जो कीचड़ में कमल की भांति रहे, जो सदैव हमारे जीवन में बना रहे, तभी हमारे जीवन को सही दिशा मिल सकती है, तभी हमारे जीवन को यथार्थ पथ मिल सकता है। अगर हमने आज यहां कल वहां कि चलो मन में आया गुरु कर लिया, कोई दुख पड़ा गुरु कर लिया, फिर कल्याण नहीं होने वाला। किसी गुरु के पास भीड़ अधिक है, खड़े हो गए कि इसी गुरु से दीक्षा लेना है, हमारे जीवन में कल्याण आ जाएगा। गुरु कभी कल्याण करके नहीं देते हैं, गुरु कल्याण करने का सामर्थ्य पैदा करते हैं। हमें आपको गुरु इतना मजबूत बना देते हैं, इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि दुनिया का सारा दुख हमारे सामने स्वाहा हो जाता है। कर्म फल मिटता नहीं है, वो घटता है, हमारे सामर्थ्य के सामने वो हवा हो जाता है, मिटता नहीं। हम जब बढ़िया कर्म करते हैं, हम गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा पुण्य प्रताप इतना बढ़ जाता है, हमारे भीतर दिव्यता इतनी बढ़ जाती है, हमारे भीतर धर्म इतना विराट हो जाता है कि छोटे मोटे जो हमारे कर्म फल होते हैं उसका कोई असर नहीं होता, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आप अनुभव करें जीवन में, जब भी कभी आपको कोई कष्ट का एहसास हो, जब भी आप दुख से गुजरते हैं, वे दुख आपको भारी लगते हैं, लेकिन जब आप सही मायने में गुरु आज्ञा में चलने लगते हैं, गुरु के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, गुरु के बताए पथ को स्वीकार करते हैं, वही रास्ता जो कल कठिन लगता था, वही जीवन जो कांटों से भरा लगता था, हल्का हो जाता है। और एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए, एक सामान्य सेवक के लिए संसार की कठिनाइयां कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं क्या करें, भक्ति मार्ग में बड़ा कष्ट है, गुरु के बताए रास्ते पर बड़ा कष्ट है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आर्मी का जवान कहे कि क्या करें, रोज हमें बड़ा मेहनत करना पड़ता है, कसरत करना पड़ता है, बड़ा कष्ट है। आर्मी के जवान के लिए उसका ट्रेनिंग कष्ट नहीं है, वो उसके लिए अभ्यास है मात्र, एक गौरव है कि ये करके मैं इतना मजबूत हुआ हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, वो उसके रूटीन में है। आर्मी के जवान के लिए उसकी ट्रेनिंग उसको दुख नहीं दे रहा है, उसकी ट्रेनिंग उसको शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, उसको वो सीढ़ी की तरह यूज कर रहा है। और हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, हम भक्ति ही छोड़ देते हैं, हम गुरु का माला ही लौटा देते हैं कि नहीं अब नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं, गुरु अगर ज्ञान दिए हैं, गुरु ने अगर आपको रास्ता दिया है, तो गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। अगर कभी कोई कष्ट आ जाए तो उस कष्ट को उसी का एक भाग समझिए कि ये कष्ट हमें मजबूत बनाने के लिए आया है,
हमें लाचार बनाने के लिए नहीं आया है। आप उसे कष्ट की भांति लीजिए ही मत। कई लोग कहते हैं, सोचे थे बड़ा सुख मिलेगा, गुरु से दीक्षा लेंगे बड़ी शांति मिलेगी, घर में लोग बीमार पड़ गए, हम माला लौटाने जा रहे हैं। मतलब गुरु जी डॉक्टर हैं, बीमारी ठीक करने के लिए माला लिए। गुरु जी मन की बीमारी को ठीक करते हैं। अगर हम आप असावधान रहेंगे, कई लोग असावधान रहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत बेहोश रहते हैं, वो सोचते हैं गुरु का माला ले लिया अब सोए सोए सारा काम बन जाए, कुछ ना करना पड़े, अनाप शनाप जीवन जिए और गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे निकम्मों पर गुरु की कृपा नहीं बरसती। हम अपनी सक्रियता से, हम अपनी भक्ति से, हम अपनी तपस्या से गुरु के आशीर्वाद को अपना अवसर बना लेते हैं। गुरु आशीर्वाद सब पर समान रूप से बरसाते हैं। स्कूल में पढ़ाई सेम ही होती है, उसमें से जो बच्चे सामर्थ्यशाली होते हैं, जिनकी लगन मजबूत है, लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं गुरु जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो भेदभाव का है कर। अब ये सूर्योदय हुआ है सुबह, मान लीजिए सब लोग धूप में खड़े हैं, अब उसी में किसी आदमी के लिए सूर्योदय एक अवसर होता है, उस सूर्योदय का वो लाभ ले लेता है, सारे अच्छे अच्छे काम कर लेता है। एक आदमी चुपचाप बैठ के हाथ पर हाथ और बस दूसरे की गायों को गिन रहा है, कितनी गायें उसकी है, कितनी गायें उसकी है, बैठा है चौराहे पर। जब सुबह गाय निकलती है ना चरने के लिए, तो एक आदमी सिर्फ रजिस्टर लेके लिख रहा है कि वर्मा जी का 5 गाय हुआ, शर्मा जी का 10 गाय हुआ, वो लिख लिया। उसके बाद इसके यहाँ 3 किलो दूध, उसके यहाँ 5 किलो दूध, दिन भर उसने वही किया। और शाम को जब सब गायें वापस घर आई, तो जिसका शर्मा जी का गाय है, वर्मा जी का है कि गुप्ता जी का है, उनको जितना जितना दूध हुआ उसने उसको खाया पिया मौज किया, और ये जो चौराहे पर बैठ के हिसाब कर रहा था, 1 ग्राम भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बस वो हिसाब करता रहा। अगर हमने सिर्फ ऐसे ही हिसाब किया है तो क्या मिलेगा? हमने श्रम किया ही नहीं, हम बैठे बैठे दूसरों का हिसाब कर रहे हैं कि पड़ोसी का बेटा पास हो गया, कि उसने बढ़िया घर बना लिया। अरे तुम भी बनाओ, हम हिसाब में लगे। हिसाब अपना कीजिए कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा विचार क्या कर रहा है, हमारी आंखें कहाँ जा रही है, हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं। अब हिसाब कर रहे हैं, गुरु से माला भी ले लिए बैठे हैं, मन वश में नहीं है, कदम बस में नहीं है, और जब मन ही बस में नहीं तो इंद्रियां कहां से बस में होगी। तो समय मिला तो शराब दुकान पर गए, पी कर आ गए, अब पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं। अपनी परिस्थितियों के कारण अगर आपने गुरु का त्याग किया, भक्ति का त्याग किया, इसका मतलब स्वार्थ से धर्म में गए थे। और फिर कोई गुरु कल्याण नहीं कर सकते। एक तो आज आदमी सस्ता गुरु खोजता है कि जो गुरु हमें कुछ कहने के करने के लिए ना कहें, बस गुरु हमें कह दें कि एक लोटा जल सब समस्या का हल, बस इतना ही चाहिए गुरु से, और हमें कुछ ना करना पड़े, गुरु का जल ही काम कर जाए। कि बेल पत्ते में शहद शिवलिंग में चिपका दो, बेटा पास हो जाएगा, और खुद का बेटा फेल हो गया उनका। गुरु आपको इस तरह से शिक्षा नहीं देते। गुरु तो वो हैं जो आपको सजग करते हैं। जब श्री राम गुरुकुल गए थे तो उनके गुरु ने राम जी को ये नहीं कहा था कि बेटा सुबह उठ करके सिर्फ भगवान का नाम जपना काम हो जाएगा। उनको क्या कहा था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभ माथा। कि राम जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन माता पिता गुरु का चरण स्पर्श करते हैं। आज कितने बच्चे स्पर्श करते हैं? गुरु ने बता दिया, भारी लगता है, गुरु को ही छोड़ देता है। जिस गुरु ने कह दिया माता पिता गुरु की सेवा करना, हम उस गुरु को ही छोड़ देते हैं कि नहीं ये गुरु बढ़िया नहीं। तो कौन गुरु चाहिए? तो गुरु ऐसा चाहिए जो कह दे कि बस सुबह एक बार नाम ले लो, दिन भर तुम शराब पियो, दिन भर तुम भाई से झगड़ा करो, पत्नी को मारो, नरक मचाओ, कोई दिक्कत नहीं, शाम को हम सब हरण कर लेंगे तुम्हारा, हम हिसाब कर लेंगे। आदमी सोचता ये गुरु बढ़िया है, बस यहीं जाना चाहिए। एक तो हम अच्छे गुरु की तलाश नहीं कर पाते, हम ऐसे ही गुरु के पास जाते हैं जो हमें उलझाए रहते हैं। और संतों ने कहा है कि अगर यहां आप ठग बुद्धि लेकर बैठे हैं, ठगाने को तैयार हैं, तो धूर्त भी तैयार हैं ठगने के लिए, और उनकी भीड़ बढ़ती जाती है, मेला बढ़ता जाता है। कोई शास्त्र आपको निकम्मा नहीं बना रहा, रामायण भी नहीं, गीता भी नहीं। गीता में तो है ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन पर ही गीता है, जो कर्म की प्रेरणा दे रहा है। और
गोस्वामी जी ने तो रामायण में पूरी बात कह दी है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कादर मन का एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि ये तो कायरों का काम है बैठ करके देव देव पुकारना कि कुछ हुआ तो है गुरु जी क्षमा कर बचा लेना, हे भगवान बचा लेना। कहा ये कायरों का काम है। जो व्यक्ति सामर्थ्य पैदा कर लेता है, जो सही दिशा को चुन लेता है, वो फिर सक्रिय होता है, वो धर्म के मार्ग पर चलता है। तो आज जो जीवन में कठिनाइयां हैं उसका एक कारण ये भी है कि हम सही गुरु के पास पहुंचना नहीं चाहते। गुरु ने बता दिया कि दुखियों की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ। हमें लगता है बहुत बड़ा काम गुरु ने बता दिया, ये मुझसे नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। कहीं प्रवचन में गुरु ने कह दिया मांस मछली छोड़ दो, आदमी तुरंत रास्ता बदल लेता है, ये गुरु अच्छा नहीं। अब इसलिए कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं अंडा खा सकते हो शाकाहारी, अब इतने ढकोसले चल गए आदमी को अंडा खाना है तो फिर ऐसे गुरु खोजता है जो अंडा का समर्थन कर सके, ऐसे गुरु को खोजता है जो कह सके कि अंतिम में जब तुम्हारी चिता जलेगी अपने बच्चों से कह देना तुलसी डाल देगा तुम स्वर्ग में चले जाओगे, आदमी फिर ऐसे गुरु के पास जाता है, फिर तो पाप बढ़ ही जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, सच्चे गुरु कभी भटकाते नहीं है, सच्चे गुरु कभी भी बाईपास का रास्ता नहीं देते, सरल रास्ता नहीं देते, सरल है ही नहीं। तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। आप एक किसान हैं, अगर आप खेत में हल चलाना छोड़ दें, आप फसल बोना छोड़ दें और बैठ करके लक्ष्मी जी की वंदना करते रहें तो आपके खेत में घास होगी, फसल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप पढ़ना छोड़ दें और अभी सरस्वती पूजा निकला है, आप बैठ के सरस्वती वंदना करते रहें, आप एक चपरासी भी स्कूल में नहीं बन सकते, आईएएस आईपीएस तो छोड़ दीजिए, पढ़ना पड़ता है। बाकी रही बात सरस्वती माता का, तो जो घर ये विद्या ही सरस्वती है, जब हम उस विद्या का सम्मान करते हैं तो सरस्वती की कृपा होती है। लेकिन हम सोचते हैं विद्या का अपमान करते रहें, धर्म का अपमान करते रहें, ज्ञान का अपमान करते रहें, भक्ति का अपमान करते रहें और उसकी कृपा भी बरस जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बंदों गुरुपद कंज, कंज मतलब कमल, गुरु कैसा है कमल की भांति, वो नहीं जो संसार में ही पड़ा हुआ है कीड़े की तरह रेंग रहा है, गुरु ऐसा हो जो है इसी जगत में, जो है इसी संसार में लेकिन उसकी स्थिति कैसी है कमल की भांति, जो कीचड़ से अलग है, जो जल से अलग है, जो इस कीचड़ में रहते हुए, जो संसार में रहते हुए संसारिकता से अलग है। तो बंदों गुरुपद कंज, ऐसे गुरु की वंदना, ऐसे गुरु का सानिध्य अगर मिल जाए तो मन कभी भटकता नहीं है, फिर गुरु हमें अपने समान कर लेते हैं। इसलिए साहब ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का, सदगुरु कबीर कहते हैं ज्ञान है वही गुरु है, दूसरा कुछ भी नहीं है। करो बंदगी विवेक की वेश धरे सब कोई, साहब ने कहा आपका सिर वहां झुकना चाहिए जहां सामने विवेक हो, सिर्फ कपड़ों को सिर मत झुका दीजिए, अपनी विनम्रता के लिए हाथ जोड़ना अच्छी बात है लेकिन जो जीवन का समर्पण है वो वही हो जहां सामने विवेक मौजूद हो। जो गुरु में विवेक है, विवेकी गुरु होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदों गुरुपद कंज, जो कीचड़ में कमल की तरह जीवन जिनका है, संसार से संसार में रहते हुए जो संसारिकता से ऊपर है, संसार के बंधन में रहते हुए जो बंधन मुक्त है, इस संसार के सागर में चलते हुए जो संसार के सागर पर नाव की तरह है, ऐसे गुरु की वंदना है। आगे विशेषण क्या देते हैं, कृपा सिंधु, जिनका जीवन जिनके भीतर कृपा सागर के समान है, जो समुद्र के समान कृपालु है, इतना विशाल है जो कृपा सागर है, कृपा सिंधु है। और कृपा किस रूप में, जो सच्चे गुरु हैं, जो विवेकी गुरु हैं, वो क्या कृपा कर देंगे। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कि गुरु के पास गए बेटा मांगे गुरु ने दे दिया कृपा कर दिया, ये कृपा चाहिए। कि कोई चोर चोरी करने जा रहा है, गजब का मामला है, चोर चोरी करने जा रहा है, मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना किया गुरु भगवान कृपा करना आज हमको चोरी का मौका मिल जाए, दो चार किलो लड्डू लेके गया है,
और उसको भी लग रहा है कि हम अगर आशीर्वाद मांग लेंगे तो भगवान आशीर्वाद दे देंगे, कृपा कर देंगे। एक चोर भी ये कामना कर रहा है कि गुरु का भगवान का कृपा बरस जाएगा, और इसी भाव से वो लड्डू चढ़ा के निकल भी गया। और जिस घर में चोरी करने गया उस घर का आदमी उसी मंदिर में जाके कहता है भगवान कृपा करना, घर को चोर से बचाना। अब समस्या भगवान को हो गई कि दोनों लड्डू लेकर आया है, सुने किसकी। फिर देखता है लड्डू ज्यादा किसका है, तो चोर अगर ज्यादा लाया तो चोर को ही मौका दे देता है, जाओ तुम्हें अगली बार फिर देख ले। ये पागलपन और ये बचकना ही तो है कि एक शराबी, एक गलत मार्ग पर चलने वाला आदमी भी सोचता है कि मैं कुछ भी गलती करूं गुरु का कृपा हम पर हो जाए। भाई का हक छीनने वाला आदमी भी गुरु के पास जाता है, गुरु जी कृपा करना हम मुकदमे में विजयी हो जाए, गुरु जी कृपा करना हम दूसरे का जमीन हड़पे हैं विजयी हो जाए। खुलकर तो नहीं कहता लेकिन मन ही मन कहता है हड़पे तो हम हैं, बस कृपा कर देना। पाप के मार्ग पर चलता हुआ आदमी भी गुरु से ऐसी ही कृपा तो चाहता है, भगवान से ऐसी ही कृपा तो चाहता है जो कि असंभव है। ये हमारे मन का सिर्फ भ्रम है, और इसका मतलब है कि हमने बच्चे वाला खेल भगवान और गुरु के साथ खेला है कि जैसे कोई बच्चा है टॉफी दो और वो हमारे पीछे आ जाए, हमने लड्डू का टॉफी पकड़ा दिया, फूल पकड़ा दिया, गुरु जी कृपा करना और गुरु जी कृपा कर देंगे, 1100 रुपया धर दिया चरण में गुरु जी कृपा कर देंगे। गुरु जी ऐसी कृपा नहीं करते हैं, गुरु जी की कृपा कैसी है। पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। जो गुरु सच में कृपा करने वाले हैं वो शिष्य को भी अपने समान बना लेते हैं, वो अपनी ही स्थिति प्रदान कर देते हैं, वो अपना ही सामर्थ्य उसके भीतर भी जगा देते हैं। तो गुरु कृपा सिंधु हैं, लेकिन किस अर्थ में कि वो हमें हमारे मनोविकारों से मुक्ति देते हैं, वो हम पर कृपा करते हैं, लेकिन उस भवसागर में जहां कोई हमारा सहारा ना हो, जब पूरा संसार साथ छोड़ दे, जब अपना भी जिसे हमने माना वो भी साथ छोड़ दे, धन भी साथ छोड़ दे, और इस ब्रह्मांड में हम बिल्कुल निहायत निपट अकेला हो जाएं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तब गुरु कृपा करते हैं। और तब संतों ने कहा कि फिर संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से फिर कोई आशा नहीं, क्योंकि तब गुरु कृपा करते हैं। तो गुरु हमारे हर उस अवस्था में कृपा करते हैं जहां हम निर्मलता से, पवित्रता से, श्रद्धा से गुरु को याद करते हैं। अगर हम श्रद्धा से गुरु को याद करते हैं तो गुरु की कृपा बरसती है, अगर स्वार्थ में याद करते हैं तो कोई कृपा नहीं बरसती। तो गुरु कृपा सिंधु हैं, और आगे क्या कहते हैं, नर रूप हरि, खूटा खंभा में गुरु नहीं है, नर रूप हरि हैं, नर के रूप में हैं। गोस्वामी जी ने कहा गुरु किस रूप में है, नर रूप हरि, वो मनुष्य के रूप में है, नर के रूप में, वो और कहीं नहीं है। जिंदा गुरु चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सके। बहुत कम लोग हैं, कोई कोई विरला है जो गुरु नहीं है और देख सुन के जीवन को बदल सके, वरना जीवन में परिवर्तन जिंदा गुरु से आता है। वो कोई कोई एकलव्य होता है जो मूर्ति बना के धनुष बाण सीख लेता है, पर सब एकलव्य तो नहीं हो जाएंगे, जिंदा गुरु ही चाहिए। और जिंदा गुरु से ही समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अपने परवर्ती संतों का और पीछे के महापुरुषों के ज्ञान को भी आप तक गुरु ही लाके देते हैं। गुरु पोस्टमैन का काम करते हैं वर्तमान में, वहां से शास्त्रों का ज्ञान, संतों का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान लेके आप तक पहुंचा देते हैं, उसको एकदम फिल्टर करके, ज्यों का त्यों पहुंचा देंगे उलझ जाएंगे। इसलिए गुरु फिल्टर करते हैं, बातों को परिष्कृत करते हैं और हम सबके जीवन में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे गुरु जो हमारे जीवन में महापुरुषों का ज्ञान ला कर देते हैं, वो नर रूप में है, वो और किसी रूप में नहीं है। अगर हम उनका चित्र बना के सामने रख दें कि हाँ गुरु जी कृपा कर देना, नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग को आना नहीं पड़ता, हम लोग का फोटो यहाँ लग जाता, माइक सामने रख देते, हो जाता सत्संग, नहीं होगा, चित्र से काम नहीं बनेगा। अभी आपको भूख लगी दोपहर में, तो यहाँ सच में भोजन बना था। अगर हमारे सरपंच साहब करते कि
सभी बढ़िया बढ़िया व्यंजन का फोटो ले लेकर बड़ा बड़ा बैनर यहाँ लटका देते चारों तरफ, कहते बस देख लो मन भर लो इसी, हो जाता क्या? प्यास लगती बढ़िया गंगा जल का पूरा गंगा नदी का ही फोटो ला के धर देते आपके सामने कि गिलास कौन का, गंगा नदी देखो फोटो में है, प्यास नहीं बुझती। उसका अपना महत्व है कि जो फोटो है वो सिर्फ इशारा है कि इस नाम की कोई वस्तु है जिसकी तलाश करो मिल जाएगी। फोटो में वस्तुएं मौजूद नहीं होती है, तो चाहे गुरु का फोटो हो चाहे भगवान का फोटो हो, वो फोटो सिर्फ इशारा है, वो सिर्फ मार्गदर्शन है कि हाँ ये व्यक्ति ने ऐसा आदर्श बनाया अपना। राम का फोटो है तो राम जी के आदर्श उसके पीछे आपको इंगित हो रहा है। राम जी का मंदिर है तो मंदिर में जब राम जी की प्रतिमा है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उस उद्घाटन के पीछे का ध्येय इतना ही है कि जो राम अपने भाई से प्रेम रखते थे, जो राम अपने भाई के प्रेम के खातिर 14 वर्ष का जंगल को ही अपना साम्राज्य मान लिए, जिन्होंने अपनी सौतेली माँ को भी ब्रह्म का दर्जा दिया, परमात्मा का दर्जा दिया, जिन्होंने गुरु में श्रद्धा किया, संपूर्ण मर्यादाओं का पालन किया, ऐसे राम का आदर्श उस मंदिर और उस मूर्ति के पीछे खड़ा है। हमें उनके आदर्शों को लेना है, हमें उनके चरित्र को लेना है, पर हम क्या करते हैं, राम की मूर्ति मंदिर में बिठा देते हैं और हृदय में रावण बिठा लेते हैं। यही हमारा कर्म है। इसीलिए तो भाई के झगड़े हैं, इसीलिए तो पड़ोसी से झगड़े हैं। मंदिर की स्थापना, हम मंदिर में स्थापना राम की हो गई, पर हमारे हृदय में राम के चरित्र की स्थापना नहीं हो पाती, हमारे हृदय में राम के आदर्श की स्थापना नहीं हो पाती, हमारे हृदय में राम की मर्यादा उतर नहीं पाती। जिस दिन हमारे हृदय में राम का आदर्श उतरने लगेगा, जिस दिन हमारे मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में राम के चरित्र की प्राण प्रतिष्ठा होने लगेगी, ये समाज कभी भी इस झगड़े को लेकर न्यायालय नहीं जाएगा कि भाई ने जमीन छीन लिया, कि माँ माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, फिर माता पिता ही भगवान बन जाएंगे, फिर भाई में ही परमात्मा दिखने लगेगा। सदगुरु कहते हैं कि जो वास्तव में इस तरह से गुरु को पूजता है, गुरु हमारे जीवन में वो शक्ति वो सामर्थ्य जागृत करते हैं, वो रास्ता देते हैं कि हम इसी जीवन में ऐसे गुरु को जीवन में उतार सकें, ऐसे महापुरुषों को जीवन में उतार सकें। हम सिर्फ राम का मंदिर ना बनाएं, हम सिर्फ कृष्ण का मंदिर ना बनाएं, हम सिर्फ कबीर का मंदिर ना बनाएं। कबीर मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहे हैं, कृष्ण मंदिर बन रहे हैं, पर हमारा हृदय तो आज भी रावण का डेरा ही है। आज हमारे हृदय में तो नफरत घृणा विकार ही बैठा है। अगर हमारे हृदय में नफरत ना मिटी, अगर हमारे हृदय का कबाड़ ना मिटा, तो बाहर चाहे राम मंदिर बना लीजिए चाहे कृष्ण मंदिर बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मंदिर बना के हमने राम जी को बिठा दिया, बाहर से गेट लगा के ताला लगा दिया, अब निश्चिंत रहे राम जी वहां, हृदय में खुला रावण नाच रहा है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर हृदय में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, अब तो हर हृदय में रावण बैठा है, कहां जाएंगे। रावण क्या है? आप चौक पर रात में निकल गए कहीं, आपको किसी से भय लगा, किससे लगा? सांप से, बिच्छू से? नहीं, आदमी से। अगर आपके मन में अपने ही समाज के लोगों से भय आ गया, अगर अपना ही समाज का कोई आदमी किसी के लिए भय पैदा कर रहा है, किसी के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, तो रावण ही तो है। अगर कोई अपने ही परिवार में रह के परिवार को तोड़ रहा है, उसके हृदय में कपट का शकुनी ही तो है। अगर हम उसको मिटा नहीं पाए, तो फिर गुरु से माला लें चाहे भगवान की पूजा करें, सब व्यर्थ है। सदगुरु कहते हैं कि गुरु ऐसा हो जो हमारे विकारों का हरण करे, नर रूप हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु का एक नाम हरि भी है, और गुरु को भी हरि कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे विकारों का हरण करते हैं, गुरु हमें हमारे दुखों का हरण करके हमें सुखी बना दे। गुरु कौन है? जो हमें निर्विकार बना दे, जो हमारे भीतर के क्रोध का हरण कर ले, जो हमारे भीतर के नफरत का हरण कर ले, जो हमारे भीतर के समस्त कचड़ों का हरण कर ले, जो हमें पवित्र बना दे, जो हमें सुखी बना दे। तो नर रूप हरि
महामोह तम पुंज जा सुवचन रवि कर निकर। और ये जीवन माया मोह अहंकार कामनाओं का एक पुंज है, जैसे घनघोर अंधेरा हो और कोई आदमी सोचे क्या करें क्या करें, अंधेरा है, दो तीन दिन से अंधेरा है, क्या करें। तो कोई पहलवान आदमी आ गया, रुको मैं करता हूं जुगाड़, वो लाठी लेके आ गया, अब अंधेरे को लाठी से मारने लगा, अंधेरा मिटेगा? कितना भी पहलवान हो, लाठी से अंधेरा हटेगा? फिर कोई वो सोचे नहीं, लाठी की भाषा अंधेरे ने नहीं समझा, अब 1K-47 से थोड़ा सा काम करें, 1K-47 चलाने लगा, अंधेरा हटेगा? अंधेरे से लड़ाई ही व्यर्थ है, अंधेरे से लड़ना ही ना समझी है कि आप अंधेरे से लड़ करके उसको कुछ नहीं कर सकते। समस्या ये है, अंधेरे से लड़ाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरा है इसलिए क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। अब वो आदमी परेशान है कि लाठी से हटेगा कि 1K-47 से हटेगा कि बम से हटेगा, वो लग रहा है पीटने में। एक बच्चा आया, दिया रख दिया, अंधेरा खत्म हो गया, इतना ही तो करना है। भयंकर अंधकार हमारे जीवन में है। अंधकार का परिचायक यह है कि हमारे जीवन में नफरत है। अगर कोई कहे कि आपके जीवन अंधेरे में, इसका अर्थ क्या है? हम अगर हमारे मन में घृणा है, नफरत है, द्वेष है, किसी की सफलता से जलते हैं, किसी के प्रति करुणा का भाव नहीं है, कोई जीव दुख में और हमारे भीतर कोई संवेदना नहीं है, किसी के कष्ट को देख कर अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो समझ जाना कि हमारा जीवन अंधेरे में है। अगर माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण भक्ति नहीं है, तो समझ जाना हमारा जीवन अंधेरे में है। अगर राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा भी भाव नहीं जगा कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकें, तो समझ जाना हमारा जीवन अंधेरे में है। आज हम सब कुछ करते हैं अपने लिए, लेकिन राष्ट्र भावना हमारे भीतर जागृत नहीं हो पाता। संत कहते हैं फिर हमारा जीवन अंधेरे में है, लेकिन गुरु क्या करते हैं, हमें उस सारे अंधेरे से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अपने विचारों रूपी प्रकाश की किरण से हमें भी प्रकाशित कर देते हैं, अपने ज्ञान से हमें भी प्रकाशित कर देते हैं। फिर हम सब अपने अपने कर्तव्य को समझ जाते हैं, अपने अपने धर्म को समझ जाते हैं, और फिर एक आदर्श माता पिता, एक आदर्श संतान को जन्म देते, और वही संतान कोई भगत सिंह बन जाता है, कोई खुदीराम बोस बन जाता है, वही संतान कोई उधम सिंह बन जाता है, कोई नेताजी सुभाष बन जाता है, वही कोई लक्ष्मीबाई बन जाती है, कोई मीराबाई बन जाती है। और यदि हमने अपने भीतर उस ऐसे गुरु की वंदना करके अपने भीतर के अंधेरे को ना मिटाया, तो फिर वही माता पिता फिर रावण को जन्म दे देते हैं, कंस को जन्म दे देते हैं, लादेन को जन्म दे देते हैं, कसाब को जन्म दे देते हैं, और फिर रोते रहते हैं क्या करें बच्चे बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे गुरु के ज्ञान में अपने भीतर के अंधेरे को नहीं मिटाया। और जब अंधेरा नहीं मिटा तो उजाले का जन्म कैसे होगा? अगर हमने अपने हृदय के कचड़े को नहीं मिटाया, हमने अपने हृदय के नफरत को नहीं मिटाया, तो प्रेम का जन्म कैसे होगा, सत्य उद्घाटित कैसे होगा? इसलिए वंदो गुरुपद कंज, ऐसे गुरु की वंदना हो जो गुरु कीचड़ में कमल की तरह है, कृपा सिंधु है, नर में हरि के समान है, जो गुरु हमें माया से सत्य की ओर ले जाएं, चेतन आत्मा की ओर ले जाएं, ऐसे गुरु जो हमें समस्त विकारों से मोड़ करके हमें भक्ति में प्रेम में ले जाएं, जो हमें सुख समृद्धि का पथ प्रदान कर सकें, तो ऐसे गुरु के सानिध्य अगर मिल जाए तो समझना जीवन बन गया। जीवन में जो करना था कर लिया। मैंने प्रथम सत्र में कहा था ये जीवन यूं ही नहीं मिला खेलने खाने के लिए, कुछ करने के लिए मिला है। और वो सामर्थ्य जागृत होगा सच्चे गुरु के संग से, तो हम सब ऐसे ही सच्चे यथार्थ दिव्य गुरु के संग करें, उनके चरणों में जाएं। क्योंकि अगर हमें उनके उनकी कृपा बरस गई, उनका ज्ञान हमें मिल गया, तो निश्चय ही ये जीवन सार्थक हो जाएगा। इस सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम।